हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपको एक सॉक्स बना के दिखा रही हूँ। इस तरह जो है ये दो कलर में मैंने सॉक्स बनानी है। ये वाला डार्क पिंक है और ये वाइट कलर है। तो इन दो कलर के साथ मैं सॉक्स बनाऊंगी। आप जो भी कलर आपको पसंद हो वो दो कलर आप लगा सकते हैं। तो एक डार्क एक लाइट होगा तो ज्यादा सुंदर जो है ये सॉक्स बनेंगी। इस सॉक्स को बनाने के लिए देखिए, यहां से यहां तक मैंने जो है 49 स्टिचेस लिए हैं। 49 स्टिचेस लेकर के मैंने इस सॉक्स को बनाना स्टार्ट किया है। दो सिलाइयां जो है दो लाइनें बनाई है, मतलब कि चार सिलाइयां मैंने दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाई है। अब हल्का सा टच इसमें जो है व्हाइट कलर का, दो सिलाइयां जो है मैं व्हाइट कलर से बनाऊंगी, व्हाइट ऊन से। तो इस तरह से यहां से स्टार्ट करूंगी। देखिए यहां पे फंदे डालने के बाद एक दो दो लाइन बनाई है, चार सिलाइयां जाने के बना के हमने रेडी की है। और 10 नंबर की सिलाई इसमें यूज करनी है, नॉर्मल वूल है। तो इस तरह से यहां से मैं जो है इसको स्टार्ट करूंगी। इस तरह से देखिए, इस वाइट ऊन को यहां से बनाना, वाइट ऊन के साथ दो सिलाइयां सिर्फ बनानी है बॉर्डर में। फिर मैंने जो है उसके बाद में इसको हटा देना है वाइट ऊन को, इस तरह से। उसके बाद इसको कैसे यूज करना है, वाइट ऊन को कहाँ पे जो है लगाना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले दो सिलाइयां इसकी बना करके उसके बाद दो सिलाइयां फिर से डार्क कलर की बनानी है। फिर उसके बाद जो है कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने दो सिलाइयां इसकी बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये मैंने एक दो तीन चार पांच पांच धारियां बनाई, मतलब कि 10 सिलाइयां बना करके एक सिलाई उल्टी साइड से बना के और एक सिलाई मैं सीधी साइड से ऐसे बनाऊंगी। इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा बुनूंगी सीधी साइड से। इस तरह से देखिए, सीधी साइड से पूरी सिलाई को सीधा बुनने के बाद जब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे तो हम वाइट कलर का जो धागा है हमारा, वाइट ऊन जो है वो सेंटर तक लेके आएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, इस तरह से इसको इस तरह से लेके आए ऊपर और इसको बुनना स्टार्ट किया। दो फंदों के बाद हमने इसको इस तरह से बीच में लाना है, फिर इस ऊन के साथ दो फंदे बुन लेने हैं। फिर इस ऊन को इस तरह से ऊपर लेके आएंगे। ऐसे क्या होगा, हमारा धागा साथ साथ चलता रहेगा और हमने सेंटर तक जो है इस धागे को लाना है। इस तरह से दो फंदे बुन लीजिए, तीन फंदे बुन लीजिए, हमारा धागा जो है इस तरफ आना चाहिए बस। इस तरह ऐसे ऊपर लेके आए। अगर आपने काट के लगाना है तो भी आप लगा सकती हैं, जो आपकी इच्छा है। इस तरह से ऐसे बीच में जो है हम फ्लावर बनाएंगे, इसलिए हमने जो है इस वाइट कलर को इस साइड में लेके आना है, सेंटर तक इसे पहुंचाना है। देखिए मेरे पास जो है 49 फंदे हैं, तो 24 फंदे मेरे इस तरफ रहने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया हमारा सेंटर वाला फंदा। तो चार फंदे हम और बुनेंगे इस तरह से, 1 2 3 4। अब देखिए यहां तक हमारा जो है ये वाइट कलर हमने लेके आना है। यहां तक जो सेंटर वाला फंदा है ये है, और बाकी फंदे तो हमने इस सिलाई के सिलाई में जो है ऐसे ही उल्टे बुनने हैं। बुनने तो हमने सारी सिलाई उल्टी है, लेकिन वाइट कलर को हम जो है सेंटर में लेके आना था, इसलिए मैंने आपको ये सिलाई बता दी। अब देखिए ये पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे और सेंटर तक हम फिर से इसी कलर से हम सीधी सिलाई बुनेंगे सेंटर तक। जो सेंटर वाला स्टिच है वहां पे हमने फ्लावर बनाना है। पूरी सिलाई को उल्टा बुनने के बाद देखिए हमारे पास 49 फंदे हैं,
तो 49 फंदों में से हमने 24 फंदे बुनने हैं। पहले इस स्लाइस में 24 फंदे बुन के हम सीधी साड़ी से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 24 फंदे हमने बुन लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये जो सेंटर वाला फंदा, 24 फंदे हम इस तरफ छोड़ेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सेंटर वाले फंदे पे हमने फ्लावर बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, इस ऊन को इस तरह से, देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने क्रॉस करते हुए जरूर जाना है, ताकि हमारा जो वाइट कलर है वो अलग से ना रहे। देखिए एक बार हमने फंदा बनाया, इसी फंदे को दोबारा से बुनेंगे इस तरह से, एक, फिर दूसरा इसी में से बनाया, फिर इस फंदे को दोबारा बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने 7 बार एक फंदा बुन लिया और इसे छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से 7 टाइम हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपने जल्दी जल्दी से फंदे बढ़ाने हैं, ध्यान रखना है आपने, अगर जल्दी जल्दी से फंदे बढ़ाने हैं, यहाँ पे 7 की बजाय आप जो है 9 फंदे बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे और इस फंदे, इस ऊन को इस तरह से, देखिए इस तरह से आप जो है ऐसे करेंगे, घुमा लेंगे और बाकी फंदे, 24 फंदे हैं हमारे, तो इस ऊन के साथ हम बुनेंगे। तो फर्स्ट रो तो हमारी डिज़ाइन की इस तरह से आ गई, आपने ध्यान से देखना है। फिर आपने इसी तरीके से, मैंने 8 फ्लावर बनाने हैं, 8 फ्लावर के बनाने के बाद आपने गिन लेने हैं आपके पास फंदे कितने हैं। अगर आपके पास 9 जो है एक से आप 7 बना रहे हैं, तो हमने जो है 8 फ्लावर बनाने हैं, तो मेरे फंदे पूरे हो जाएंगे। अगर आप 9 यहाँ पे फंदे बना रहे हैं, तो आपने ध्यान देना है कि लास्ट में हमारे पास फंदे कितने हैं। जो मेन है वो है हमारे पास फंदे पूरे होने चाहिए, चाहे आप 9 बना लीजिए यहाँ पे, चाहे आप 7 बना लीजिए यहाँ पे, मेन क्या बात है, हमारे फंदे पूरे होने चाहिए, हमारे पाँव में जो है सॉक्स आनी चाहिए बस। इस तरह से लास्ट तक ये बना लिया। अब दूसरी रो देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो जो सेंटर तक जो है, यहाँ से हमने वाइट ऊन स्टार्ट की थी, वहां तक तो हम इसे उल्टा बुनेंगे। ये फंदे हम हमेशा उल्टे और सीधे ही बुनेंगे, इसमें कोई भी मैंने डिज़ाइन नहीं डालना है, प्लेन बुनना है इसी कलर से। वाइट हमारा जो है सिर्फ फ्लावर में अब जो है यूज होगा, तो बाकी जो है मैंने वाइट कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। लास्ट में जाके आपको बताऊंगी कहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है। देखिए जो पिंक कलर के फंदे थे वो तो मैंने ऐसे बुन लिए। अब देखिए ये वाइट कैसे बनाना है, इसको फिर से ऐसे क्रॉस करना है धागे को और वाइट को पीछे लेके जाना। देखिए अब वाइट को हमने सीधे फंदों में बनाना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर धागे को इस तरफ लाएंगे और ऐसे इसको क्रॉस कर देंगे। देखिए इस तरह से क्रॉस कर दिया, 2 बार हमें धागा घुमाना पड़ेगा तभी हमारा जो है ये यहाँ पे धागा क्रॉस होगा। देखिए इस तरह से क्रॉस कर दिया, फिर हमने ये फंदे उल्टे बनाने हैं। अब इसके बाद 2 सिलाइयां हम इसके साथ ही बनाएंगे, इसी जो है डार्क ऊन के साथ बनाएंगे 2 सिलाइयां, एक सीधी साइड से सीधी आएगी, दूसरी उल्टी आएगी। फिर हम सेकंड फ्लावर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर आपने जो है, मैं 8 फ्लावर बनाऊंगी, इस तरह से आपने जो है इसको बनाना है जब तक आपके पैर की लंबाई जो है कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि बड़े पैर के लिए ज़्यादा फ्लावर और ज़्यादा फंदे चाहिए होंगे और छोटे पैर के लिए थोड़े फंदे चाहिए होंगे। देखिए आप देखिए नेक्स्ट हमने कैसे बनाना है इसको। ये पूरी सिलाई को मैं सीधा बनाऊंगी, जो फ्लावर वाले फंदे हैं उनको भी इसी कलर से बनाऊंगी सीधा, और दूसरी साइड से सारे फंदों को उल्टा बना करके कंप्लीट करूंगी। मतलब कि 2 सिलाइयां हमने सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बना के कंप्लीट करनी है, एक ही कलर से बनाएंगे हम। इस तरह से देखिए अब आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये इस तरह से फिर से इसको
ऐसे जरूर करना है ताकि हमारा जो फ्लावर है इस साइड से जुड़ा रहे। अगर आप ऐसे नहीं करते तो फ्लावर अकेला हमारा जो है बीच में रहेगा, जो बच्चा बहुत बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ से हमने जोड़ दिया था, तो इस तरह से हमारा जो है ये एक फ्लावर बन के कम्प्लीट हो गया। अब इसके बाद एक उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। देखिए सेकंड टाइम हमने फ्लावर बनाना है तो पहले 24 फंदे बुने थे, अब हम 27 फंदे बुनेंगे, क्योंकि 3-6 फंदे हमारे टोटल फ्लावर से जो है इंक्रीज हो गए हैं, तो हमने 27 फंदे यहाँ पे बुनने हैं। इस तरह से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 24 बुन लिए। अब आपने देखना है फ्लावर के हमारे पास 7 फंदे हैं, तो 3 फंदे इस तरफ जाएंगे, 3 फंदे इस तरफ, बीच वाले फंदे पे हमारे फिर से फ्लावर बनेगा। देखिए 3 फंदे इस तरफ बुनने के बाद ये जो सेंटर वाला फंदा है इस पे हमने हमारा फ्लावर बनेगा, तो वाइट से इस तरह से 1, इसको दूसरी बार बुनेंगे, फिर 2, इसको दूसरी बार बुनेंगे, 3, इसको दूसरी बार बुनेंगे, 4, 5, 6, 7, तो 7 बार हमने जो है फिर से बुन लिया। अब इसको छोड़ देंगे इस फंदे को, फिर हम यहाँ पे इस धागे के साथ बुनेंगे 27 फंदे। अब अगली बार जो हमारा फ्लावर बनेगा 27 में 3 हमने यहाँ पे और मिला लेने हैं इस तरह से, तो सेंटर में हमारा फ्लावर बनेगा, तो 27, 28, 29, 30, तो अगली बार हमारे 30 फंदों के बाद फ्लावर बनेगा। उसके बाद जो है 30 में 3 फिर से मिला लेने हैं, 33 फंदों पे के बाद हमारा यहाँ पे सेंटर में फ्लावर बनेगा। तो इस तरह से आपने जो है 8 फ्लावर बना के कंप्लीट करने हैं। तो मैं भी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, आगे हमने इसके नीचे की साइड जो है सॉक्स की कैसे बनानी है। अब देखिए 8 फ्लावर जो है मैंने बना के कंप्लीट किए और एक हिस्सा मैंने इसका बना लिया है, एक हिस्सा बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे मैं सेम यहाँ पे बनाऊंगी वैसे ही आपने यहाँ पे बनाना है। कोई भी एक एक करके हम हिस्सा बना लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फ्लावर मैंने बना के कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आपने हाफ स्टिचेस जहाँ पे करने हैं, हाफ स्टिचेस जहाँ पे करने हैं। आपका एक फंदा जो है यहाँ पे आपको जो है जहाँ पे हमने 49 फंदे लिए थे बॉर्डर में, तो एक फंदा हमारा हमेशा जहाँ पे जो है एक्स्ट्रा रहेगा, तो एक्स्ट्रा जो फंदा होगा आप यहाँ पे ले लीजिए या यहाँ पे, एक फंदे का कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने देखी इस तरह से मैंने जो है इसको बनाया है, एक साइड से मैंने थोड़ा सा ढीला ढीला इसको यहाँ पे बंद किया है, आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से जो है ये वाला हिस्सा हमारा बन जाएगा। अब कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हमने यहाँ पे ये वाला हिस्सा भी हम कंप्लीट करेंगे इसके साथ बुन के। देखिए इस तरह से यहाँ पे उनको कट करके फिर से हम ज्वाइंट करना होगा और उल्टी और एक सीधी साइड से हम बनाएंगे सिलाई इस तरह से। आप देखिए इसके बाद जो है ये उल्टी उल्टी सिलाइयां हम बनाएंगे। 4 सिलाइयों के बाद फिर मैं यहाँ पे ये ऐसे जो है ये वाली 2 सिलाइयां बनाई हैं, ये वाली 2 सिलाइयां बनाई। टोटल हमने जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 सिलाइयां लगभग इसको बना के हमने कंप्लीट इसे करना है। बीच में हमने 2-4 सिलाइयां जो है ये वाइट से बनाई है, जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर पे डिजाइन बनाया है, सेम इसमें ऐसे थोड़ा सा हल्का सा टच दिया है वाइट से। तो इस तरह से ये जो फंदे हैं मेरे पास, इनको मैं इस तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। बीच में वाइट की 2 सिलाइयां एक बार बनानी है, 2 सिलाइयां 2 बार दूसरी बार बनानी है। तो इस तरह से बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद इसको सिलना है, कैसे सिलेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। तो पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो यहाँ तक मैंने जो है इसको बना लिया। दोनों साइड जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक साइड जैसे बनानी है, दूसरी साइड भी वैसे बनानी है। अब इसकी सिलाई करेंगे। बैक साइड जो होगी उसको हम यहाँ से लेके बॉर्डर से लेके नीचे तक ऐसे सिल देंगे। अब यहाँ पे देखिए अंगूठा कैसे बनाना है, स्पेशली जो है अंगूठे वाली जुराब है, तो अंगूठे को कैसे बनाएंगे देखिए। इस तरह से आपने इसको इस तरह से पकड़ना है और ऐसे देखिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहां से इसको सिल देंगे ऐसे। इस तरह से आपने बड़े ही ध्यान से सिलना है, ना ही एक साइड छोटी हो ना ही एक साइड बड़ी हो, आपने इस तरह से इसको सिलना है। इसको यहां से लेके यहां पर ये जो कट लगाया हुआ है दूसरी साइड मतलब की शुरू हुई है वहां तक इसको इस तरह से सिल देंगे ऐसे। यहां तक सिलने के बाद दूसरी साइड को भी हमने इसी तरीके से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से ये जो साइड दूसरी बनी है वो इस तरीके से आपने बराबर से फोल्ड करनी है और इसे ऐसे सिल देना है यहां से भी देखिए। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है जहां से बैक साइड हमारी सिली है वो ऐसे देख लेना है कि आपकी बराबर ऐसे आए, इस तरह से आपने देखना है। ऐसे नहीं कि एक साइड बड़ी हो जाए एक साइड हमारी यहां से छोटी हो जाए। देखिए दूसरी साइड भी सिल के हमने रेडी कर ली है इस तरह से। यहाँ पे एक नोट लगा देंगे इस तरह से और इसी धागे को हम नीचे की साइड में लेके आएंगे जिसके साथ हमारा दूसरा पोर्शन जो है नीचे वाला वो सिल जाएगा इस तरह से। देखिए अब हमने यहां से देखिए इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है। इस तरह से ज्वाइंट किया, अब नीचे का पोर्शन जो है इस तरह से हमने इसको जोड़ लेना है। ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे या आसान लगे सिलना उस तरीके से आपने इसको सिल के कंप्लीट करना है इस तरह से। यहां तक लास्ट तक सिल लेना है इसको, फिर हमारा जो बूट है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारी सॉक्स जो है, सॉक्स भी आप इसे कह सकते हैं, बूट भी कह सकते हैं। इस तरह से इसको सिल के कंप्लीट करके देखिए लास्ट तक हमने इसको सिल दिया है। यहां पे आके एक नोट लगा देंगे इस तरह से और यहां से इसको कट करेंगे धागे को और हमारा बूट जो है बिल्कुल सिल के रेडी हो चुका है। इस तरह से आपने इसको सीधा करना है ऐसे इस तरह से देखिए। तो बूट जो है कुछ इस तरीके से बना है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा जो है जो सॉक्स हमारी बन के रेडी हुई है, दूसरी साइड की ये वाली है। और इस तरह से आपने जो है इस सॉक्स को बना के रेडी करना है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। सर्दियाँ आने वाली हैं तो पहले इसको रेडी करके रख लीजिए, चाहे आप किसी फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड्स को जो है गिफ्ट कीजिए, चाहे अपने लिए बना लीजिए। तो किसी के लिए भी ये सॉक्स बनानी बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये सॉक्स बन के रेडी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।